हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनवी व्लॉग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी कस्टर्ड केक पुडिंग की रेसिपी, जो घर के बहुत ही कम सामान से आसानी से बनाई जा सकती है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। और आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप बना सकते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और 2 टेबलस्पून मिल्क। अब इसमें धीरे धीरे ऐड करूंगी, इसको मिक्स करते रहिए धीरे धीरे मिल्क ऐड करके, जिससे कि इसमें कोई भी लंप ना रहे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल रनी होनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें मैंने ले लिया है 750 मिलीलीटर मिल्क। तो मैंने दूध को स्लो फ्लेम पर रखा है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप शुगर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। शुगर ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से चलाते रहिए और आपको फ्लेम अपना लो ही रखना है, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। अब इसमें मैं धीरे धीरे कस्टर्ड मिल्क जो मैंने अभी प्रिपेयर करा है उसको ऐड कर रही हूँ और इसको आपको चलाते ही रहना है, धीरे धीरे चलाते रहिए। जब इसमें आप देखें कि साइड से बबल आ रहे हैं और एक अच्छा बॉईल आ गया है, तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। ये देखिए, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फ्लैट बोल और इसमें आप अपने जो आपके मनपसंद फ्रूट्स हैं जिन्हें आप खाना चाहते हैं, आप इनमें वो ऐड कीजिए। मैंने यहाँ पर ऐड किया है मस्क मेलन, खरबूजा, ग्रेप्स, ऑरेंज, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, पपाया, एप्पल, और बनाना। अब मैं यहां पर डाल रही हूं अनार के कुछ दाने। इसके बाद आप अपने ही फेवरेट ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहां पर लिया है आमंड, रेजिन, कैश्यू और वॉलनट। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है ब्रिटानिया का फ्रूट केक। आप अपना कोई भी मनपसंद फ्रूट केक यहाँ पर इस तरह से लेयरिंग कर सकते हैं। ब्रिटानिया का केक जो हम यूज करते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रिटानिया का केक लिया है। इसके बाद मैं अपना कस्टर्ड मिल्क इस पर ऐड कर रही हूँ। धीरे धीरे पूरे बोल में इसको इस तरह से आप फैला दीजिए। उसके बाद जो मेरे ड्राई फ्रूट्स थे मैंने थोड़े से बचा लिए थे, उसकी भी एक लेयर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ और फ्रूट्स। सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स को अच्छी तरह से लेयरिंग कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने यूज किया है आमंड, बड़े बड़े आमंड जिनको मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है। अब मैं इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर रही हूँ। गाइस, 2 घंटे हो चुके हैं, अब खोल कर देखते हैं अपना कस्टर्ड केक पुडिंग जो कि बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, ये एकदम जम गया है अच्छी तरह से और बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। सो गाइस, इसको कट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और
कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे अपनी न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।